हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद में। और मैं आपको बता दूं, यहाँ गाज़ियाबाद में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक साझा प्रेस वार्ता है। इस वक्त वो प्रेस वार्ता में जनता सड़क पर है, पुलों पर है, मतलब बहुत सारी जगह पर जनता, और हम जनता के साथ ही हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार क्या चाहती है। वैसे ये तो लाजमी सी बात है कि अगर अखिलेश यादव को देखने आए हैं तो अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनना देखना चाहेंगे। नाम क्या जी तुम्हारा? मुरसलीन। क्या लगता है बन जाएगी अखिलेश यादव जी की सरकार? बनेगी क्यों ना, 100% बनेगी। योगी जी तो कह रहे हमारी बनेगी। योगी तो गए गए कहाँ? हम दे तो वहीं पहुँच गए, उसमें गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में पहुँच गए, गोरखपुर से तो वो चुनाव लड़ रहे, वहीं हार रहे हैं। तो वहीं हार रहे हैं वहीं। आप कैसे कह सकते हो हार रहे हैं? हम रोज देख रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हार रहे। क्या दिख रहा? सारी मीडिया बता रही है हार रहे हैं, अपनी सीट ना बचा पा रहे। अच्छा, सारी मीडिया बता रही है। हाँ, अपनी सीट ना बच रही। अच्छा, ये तो अखिलेश यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री। आप अखिलेश यादव को देखने आए हो, किस उम्मीद से आए हो? सरकार बनेगी उनकी। सरकार बनेगी? हाँ। योगी जी ने के 5 साल गुजरे, उनके सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया? सारा बेड़ा गरक कर रखा। कैसे? हाँ, बेड़ा गरक कर रखा उन्होंने भैया। बेड़ा गरक को क्या कर दिया? अरे उन्होंने रोजगार ही खत्म कर दिया, पब्लिक नुई तो पड़ी है खाली। वो तो कह रहे रोजगार दिया 2 करोड़। रोजगार दे रहे, कुछ भी ना दे रहे। कुछ भी ना दे रहे, कुछ भी ना दे रहे। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद शुएब। आपको भी ऐसे लगता है? ये कह रहे रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार तो बिल्कुल भी ना, 5 साल हो जाए ना बिल्कुल भी। अरे खूब तो रोजगार मिल रहा है, योगी जी कह रहे राशन मिल रहा, रोजगार मिल रहा, घर मिल रहे। पब्लिक को कोई राशन चाहिए? पब्लिक को तो बहुत चीज चाहिए। क्या चाहिए? बेरोजगार हो रहे सारे युवा, फ्यूचर ही ना, बच्चों का फ्यूचर बिगड़ेगा, सब फ्यूचर खराब होगा सबका, बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया बच्चों का। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन के फ्यूचर सही कर देंगे? हाँ, पढ़ाई लिखाई हर चीज, रोजगार मिलेगा युवाओं को। अब तो रोजगार ही ना, 5 साल बेकार हो गए सब। अच्छा, योगी जी ने तो सबका नाश कर दिया। तो योगी जी से इतनी परेशानी है क्यों यार? सब भैया रोजगार ना, ये परेशानी है और कुछ परेशानी? तो वो तो बोल रहे ना रोजगार दे दिया। रोजगार नहीं मिला किसी को भी। दे कहाँ दिया रोजगार? वो कह रहे 2 करोड़ रोजगार दिया है। अरे किसे दिया है? हवा में दिया, कागजन में ही। वो बोल रहे कि 80-20 का चुनाव होगा। अजी कहीं नहीं होगा, अखिलेश यादव जीतेगा। अखिलेश यादव जीतेगा? जी जी जी। योगी जी कह रहे 350 पार कर देंगे। अजी कहीं नहीं होगा। आप नहीं होगा? नहीं। आपका नाम? मोहम्मद साजिद कुरैशी। आपको क्या लगता? इस वक्त जो सरकार आवेगी वो अखिलेश यादव के साथ है, अखिलेश यादव की सरकार आवेगी और फुल बहुमत के साथ सरकार आवेगी। अच्छा, क्योंकि योगी जी तो अब भी कह रहे 350 पार हम करेंगे। वो बात ये है, 350 पार करना ना करना ये तो ऊपर वाले का हाथ में है, मगर इस हिसाब से आज की स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है अखिलेश यादव फुल बहुमत से आ रहे हैं। योगी जी कह रहे पूरे प्रदेश सुरक्षित कर दिया, पहले लोग सड़क पे चलते चलते लूट जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लूटने की तो बात ये है, जब भी लूटते थे उस जमाने में भी, अखिलेश के जमाने में, योगी के जमाने में भी लूट रहे। कौन सा जमाना ऐसा है जिस जमाने में ना लूट रहे लोग? हर जमाने में लूट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी कह रहे हमने पुलिस को इतना मजबूत कर दिया कि नहीं, पुलिस तो देखो मायावती के सरकार जमाने में भी मजबूत थी, अखिलेश के जमाने में भी मजबूत थी और योगी के जमाने में भी मजबूत है पुलिस, तो हमेशा मजबूत रहती है पुलिस। तो ये मतलब कहने का नेताओं के मतलब बताने का तरीका होता है जी, हमारी सरकार में मजबूत है पुलिस, तो हमेशा हर वक्त जो है मजबूत रहती है, हमारे कानून जो है ये हमेशा मजबूत रहता। मगर यहाँ इस जो लग रहा है, इस यहाँ के मौके वारदात पे तो अखिलेश यादव आपके फुल बहुमत से आ रहा है। तो यहाँ अखिलेश यादव की रैली है, बहुत सारे लोग हैं और लोगों से बात करें। आपका नाम क्या है? अरे आप तो बताएंगे भैया, वोट तो आप दोगे? वोट किसे दोगे ये तो? असलम को। असलम को? हाँ। असलम विधायक को वोट दोगे? हाँ। नाम क्या आपका? शहजाद। शहजाद नाम है, असलम विधायक को वोट दोगे? हाँ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और भी लोग हैं यहाँ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। आपका नाम? मेरा नाम गिरीश कुमार पांडे है जी। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है आपके? सरकार किसी की भी बने जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार बने वो जो युवाओं को, युवाओं के लिए रोजगार दे। योगी जी ने नहीं दिया? योगी जी ने जो दिया वो दिया जी। वो तो बात की बात है, जो आने वाली सरकार है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आने वाली जो सरकार आएगी अब की बार वो युवाओं की तरफ ध्यान दे। युवा पीढ़ी जो है, अब की बार जो योगी सरकार गई उसने युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है, और काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब की बार जो भी सरकार आएगी वो युवाओं की तरफ ध्यान दे, चाहे वो योगी हो।
और चाहे वो अखिलेश सरकार हो। अच्छा ठीक है, मतलब आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? सरकार अभी किसी की नहीं मानूंगा मैं। आदमी के मन में तो कुछ होता है? ना। तो यहाँ अखिलेश यादव की रैली, अखिलेश यादव की भीड़ है, अब भीड़ बहुत है। अखिलेश यादव अभी आने वाले, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ऐसे देखते रहे। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं बिलाल अख्तर, धन्यवाद।